डाइकर वन टन स्प्लिट एसी के रिमोट के अंदर एक बटन आपको नजर आएगा, पावर चिल। तो पावर चिल बटन को कैसे काम में लेते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ए के अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल पर नए जुड़ने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत के अंदर जो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट, क्वेरी या फीडबैक लिखना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं पावर चिल फंक्शन या पावर चिल बटन को कैसे काम में लेते हैं। तो पावर चिल बटन क्या है कि कमरे को बहुत जल्दी ठंडा करना यदि आपको है तो पावर चिल बटन का काम में ले सकते हैं। पावर चिल बटन से आपका कूलिंग की स्पीड जो है फास्ट हो जाएगी और तुरंत जो है वो कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे मैंने पावर चिल दबाया तो ये मैंने पावर चिल अभी पहले ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद ही पावर चिल काम में करे, ऑन हो गया और ग्रीन इंडिकेटर जल गया आपके इंडोर यूनिट पर। अब मैंने पावर चिल दबाया तो यहाँ पावर चिल वाला ये सिंबल आ गया और यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह जो पहले सेट था वो हट गया। अब क्या है, ये लगभग 20 मिनट के अंदर कमरे को ठंडा करने के बाद वापस नॉर्मल उसी पोजीशन पर आ जाएगा जिस पोजीशन पर पहले सेट किया था। इसका पर्पज़ इतना ही होता है, जैसे आपने एसी को ऑन किया तो तुरंत एसी कमरे को ठंडा करने के बाद में नॉर्मल जितना भी टेम्परेचर आपने सेट किया उसके हिसाब से चलता रहता है। जब भी इस फंक्शन को हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं, अदरवाइज ये 20 मिनट के बाद अपने आप भी हट करके नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो अभी मैंने हटा दिया इसको तो वो पावर चिल वाला जो सिंपल है वो हट गया है और ये एसी अभी 26 डिग्री सेल्सियस पर ये कूल मोड के अंदर और ये ऑटो मोड के अंदर फैन तो अपने आप ही चलने लग गया। तो इस टाइप से हम पावर चिल मोड को यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया इसको लाइक और शेयर करें। चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।